बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। हूँ आपके साथ निशा यादव, मुद्दा आपका, उठाएंगे हम बनेंगे आपकी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह, देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। तीन सौ चौवनवा महान प्रकाश उत्सव दशम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती को महानगर के मोदीपुर स्थित प्राचीन गुरुद्वारे पर धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोदीपुर के तत्वाधान में कीर्तन दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए भाई तिलोक सिंह जगधारी वाले और भाई हरनाम सिंह जी रसिया दिल्ली वाले और गुरुमत विचारक भाई सतनाम जी उत्तराखंड से आए हुए थे। प्रकाश उत्सव की समाप्ति पर श्री अखंड पाठ साहिब के उपरांत गुरुवाणी शब्द कीर्तन गुरुमत विचार दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया और उसके बाद रात्रि तक कीर्तन दरबार योग गुरुमत विचार बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम किया गया जिससे लोगों ने ब्लड डोनेट कर लोगों को जीवन देने का संकल्प लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विके भवलियो। आज का ये जो महोत्सव है ये सिख धर्म के दसवें गुरु साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन 354वें पावन प्रकाश पर्व की खुशी में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के तत्वाधान में आप सभी नगरवासियों के सहयोग से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। बचपन में उन्होंने जब कश्मीरी पंडित के आह्वान पर उनके धर्म के बचाव के लिए पिता गुरु तेग बहादुर को शहीद कराया, वहीं चारों अपने लालों को, चारों साहबजादों को धर्म की रक्षा के लिए शहीद कराया। आज हम सभी ऐसे महान सर्वंशदानी पिता, दसवें पिता जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही हमें में से ही खालसा पंथ सजा कर, अमृत पान करा कर खालसा पंथ की सृजना की, ऐसा पंथ सजाया जो धर्म की रक्षा कर सके। आज हम ऐसे महान सतगुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां महान प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। मैं मनमोहन सिंह गुरुद्वारा सचिव आप सभी नगरवासियों को दसवें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस महान पावन प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरुद्वारे में किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाए, देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना